इंटीग्रेशन साइन ई का पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स है अब खंडसा समाकलन का उपयोग करके हम इसको सरल करेंगे हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू ई का पावर ए एक्स इंटीग्रेशन साइन साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स माइनस इंडिगेशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर ए एक्स इंटू इंटीगेशन साइन साइन बी एक्स डी एक्स न डी एक्स सरल करने पर हमें मिल जाएगा I इक्वल टू ई का पावर ए एक्स इंटू माइनस ऑफ कॉस बी एक्स अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी इंटीग्रेशन साइन ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स आई इक्वल टू माइनस ऑफ ई का पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी इंटू अब आगे जो पद हमें मिला था इंटीग्रेशन साइन ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इस पर भी खंडसा समाकलन का उपयोग करके आगे सरल करेंगे तो आगे वह पद है ई का पावर ए एक्स इंटू इंटीग्रेशन साइन कॉस बी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर ए एक्स इंटू इंटीग्रेशन साइन कॉस बी एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स सरल करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस ई e का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी इंटू ई का पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स अपॉन बी माइनस इंटीग्रेशन साइन ए इंटू ई का पावर ए एक्स अपॉन बी इंटू साइन बी एक्स डी एक्स अब इंटीग्रेशन अब यह जो ब्रैकेट है इसे ओपन करेंगे तो हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू माइनस ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन बी प्लस ए ई e का पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन साइन ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स और ई e का पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इंटीगेशन साइन के साथ में इसे ही हमने आई माना था तो इसे हम आई से रिप्लेस कर सकते हैं तो इस प्रकार हमें मिल रहा है आई इक्वल टू माइनस ई ए का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन बी प्लस ए इंटू E का पावर ए एक्स साइन बी स्क्वायर माइनस ए साइड में ले आते हैं तो प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्र इंटू आई इक्वल टू ई का पावर ए एक्स इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन बी स्क्वायर अब लेफ्ट साइड में यदि आप आई को उभनिष्ट निकाल लें तो मिल जाएगा आई इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ई का पावर ए एक्स इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर बी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों के हर पदों में है कैंसल हो जाएगा तो मिल जाएगा आई इक्वल टू ई का पावर ए एक्स इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो रहा है इंटीग्रेशन साइन ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू ई का पावर ए एक्स इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब यदि हम ए इक्वल टू आर कॉस थीटा तथा बी इक्वल टू आर साइन थीटा रख दें और दोनों का वर्ग करके जोड़ें तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर या फिर हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू स्क्र रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो इस प्रकार यदि दोनों को हम भाग दे दें तो हमें मिल जाएगा टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए या फिर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए तो इस प्रकार आई इक्वल टू हमें मिल जाएगा ई e का पावर ए एक्स इंटू आर कॉस थीटा इंटू साइन बी एक्स माइनस आर साइन थीटा कॉस बी एक्स अपॉन आर स्क्वायर तो आगे सरल करने पर हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू ई का पावर ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स माइनस थीटा अपॉन आर इक्वल टू ई का पावर ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो इस प्रकार हमें सूत्र प्राप्त हुआ कि इंटीग्रेशन साइन ई का पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू ई का पावर ए एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए इंटीग्रेशन साइन ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स पूर्व प्रश्न की भांति खंडसा समाकलन का उपयोग करके इसे हम आगे सरल करेंगे मिल जाएगा आई इक्वल टू ई का पावर ए एक्स इंटीग्रेशन साइन कॉस बी एक्स डी एक्स माइनस इंटीगेशन साइन डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर ए एक्स इंटीगेशन कॉस बी एक्स डी एक्स देन डी एक्स आगे सरल करते हैं और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन बी माइनस ए बाई बी इंटीग्रेशन साइन ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स अब पुनः अंतिम पद में खंडसा समाकलन का उपयोग करके आगे हम सरल करेंगे आई इक्वल टू ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन बी माइनस ए बाई बी इंटू ई ई का पावर ए एक्स इंटीग्रेशन साइन साइन बी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर ए एक्स इंटीग्रेशन साइन बी एक्स डी एक्स ऑफ डी एक्स आगे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा आई इक्वल टू ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन बी माइनस ए बाई बी इंटू माइनस ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन बी प्लस ए बाई बी इंटीगेशन साइन ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स सरल करने पर आपको मिल जाएगा I इक्वल टू ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू ई ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन साइन ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स और ये जो इंटीग्रेशन साइन ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स है इसे हमने आई माना था तो इस मान के स्थान पर हम आई रख देंगे और इस i वाले पद को माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू आई इस पद को हम लेफ्ट साइड में पक्षांतर कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा i प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू आई इक्वल टू ईगा पावर ए एक्स अपॉन बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स लेफ्ट साइड में i जो पद है इसे उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं और लघुत्तम समय निकाल करके सरल करेंगे तो मिल जाएगा i इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र अपॉन बी स्क्र इक्वल टू ई का पावर ए एक्स अपॉन बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स बी स्क्वायर और बी स्क्वायर लेफ्ट और राइट दोनों पदों के हर में है कैंसल हो जाएगा हमें मिल जाएगा i इक्वल टू ई का पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इक्वल टू ई का पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स माना यदि ए इक्वल टू आर कॉस थीटा और बी इक्वल टू आर साइन थीटा लें और दोनों का वर्ग करके जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जैसा कि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है तो हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि दोनों का भाग दे दें तो हमें मिल जाएगा बी अपॉन ए इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा तो इस प्रकार आपको मिल जाएगा टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए या फिर थीटा इक्वल टू टेन इन बी अपॉन ए आगे हम लिख पाएंगे इस मान को रखने पर आई इक्वल टू ई का पावर ए एक्स इन आर कॉस थीटा कॉस बी एक्स प्लस आर साइन थीटा साइन बी एक्स अपॉन आर स्क्वायर आई इक्वल टू ई का पावर ए एक्स अपॉन आर इंटू कॉस ऑफ बी एक्स माइनस ए तो इस प्रकार इसे और आगे सरल करके लिखे तो हम लिख सकते हैं कि इंटीगेशन साइन ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डीएक्स इक्वल टू ई का पावर ए एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए तो यह सूत्र है इन सूत्रों का उपयोग करके आगे दिए गए प्रश्नावली को हम सरल करेंगे आइए देखते हैं संबंधित प्रश्न तो हमें प्रश्न में दिया गया है e का पावर थ्री एक्स साइन ऑफ फोर एक्स इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष तो इसे हम लेकर के चलते हैं कि माना ये जो मान दिया गया है ये i है e का पावर थ्री एक्स इन टू साइन फोर एक्स डी एक्स एक्सपोनशियल फंक्शन या चार घतां फलन इसको हम प्रथम फलन और यह सामान्य त्रिकोण मित्र फलन को दूसरा फलन मान करके चलेंगे और खंडसा समाकलन के सूत्र का उपयोग करते हुए सरल करेंगे तो ये I इक्वल टू प्रथम प्रथम फलन फिर दूसरे फलन का हम समाकलन लिखते हैं फिर माइनस पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर इस पूरे फलन का पुनः समाकलन ये मिल जाएगा e का पावर थ्री एक्स साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस तो मिल जाएगा माइनस फोर एक्स अपॉन फोर फिर माइनस e का पावर e का पावर थ्री एक्स ये आपको मिल जाएगा थ्री इंटू का पावर थ्री एक्स साइन फोर एक्स का समाकलन तो माइनस कॉस ऑफ फोर एक्स अपॉन फोर फिर ये डी एक्स तो माइनस ई e का पावर थ्री एक्स कॉस फोर एक्स अपॉन फोर ये माइनस और माइनस प्लस ये थ्री बाई फोर बाहर आ जाएगा और ई e का पावर थ्री एक्स और फिर ये कॉस फोर एक्स डी एक्स अब पुनः ये प्रथम फलन और यह द्वितीय फलन मान करके इसे खंडसा समाकलन करेंगे तो माना कि यह i2 है तो माइनस माइनस ऑफ e का पावर 3x एक्स अपॉन फोर और यह cos 4x एक्स प्लस थ्री बाई फोर आई माना यह आपका समीकरण एक है तो अब हम i2 को सरल करते हैं i2 टू इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ई का पावर 3x एक्स एक्स डी एक्स ये प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन तो प्रथम फलन दूसरे फलन का समाकलन ऋण पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर पूरे फलन का समाकलन तो आगे जब सरल करेंगे तो मिल जाएगा e का पावर थ्री एक्स कॉस फोर एक्स का समाकलन या कॉस एक्स का समाकलन हमें मिलता है साइन एक्स तो ये आपको मिल जाएगा साइन फोर एक्स अपऑन फोर माइनस थ्री इंटू ई का पावर थ्री एक्स कॉस एक्स का अगेन ये साइन फोर एक्सम और ये फोर और फिर ये डीएक्स आगे सॉल्व करें तो इसे आप लिख सकते हैं ई का पावर थ्री एक्स इंटू अपॉन फोर यहां पर भी लिख सकते हैं और ये साइन फोर एक्स माइनस थ्री बाई फोर E का पावर थ्री एक्स और ये साइन फोर एक्स डी एक्स तो देखिए ई e का पावर थ्री एक्स साइन फोर एक्स डी एक्स ये आई है तो इस पूरे पद को हम आई लेकर के चल सकते हैं इसका मान हम यहां पर रख देते हैं ये आपको मान मिला था i2 का तो i इक्वल टू ये मान माइनस ई देन ई e का पावर थ्री एक्स अपॉन फोर इन टू कॉस फोर एक्स प्लस थ्री बाई फोर आई टू तो आई टू का पूरा मान ई e का पावर थ्री एक्स अपन फोर साइन फोर एक्स माइनस थ्री बाई फोर इसको हम आई लिख सकते हैं समीकरण यहां से तो ये मिल गया आई अब ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो मिल जाएगा माइनस ई का पावर थ्री एक्स अप फोर 4x पावर थ्री एक्स साइन फोर एक्स प्लस और माइनस का गुणा माइनस थ्री और तीन और तीन का गुणा मिल जाएगा 9 और चार और चार का गुणा करेंगे मिल जाएगा 16 आई यदि इसे आगे सरल करें तो ये आई है और इधर भी आई है तो इस पद को लेफ्ट में पक्षांतर कर लेते हैं मिल जाएगा 1 प्लस नाइन बाई सिक्सटीन इन माइनस ऑफ ई का पावर थ्री एक्स अपॉन फोर कॉस फोर एक्स प्लस थ्री बाय सिक्सटीन ई का पावर थ्री एक्स टू साइन फोर एक्स इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा ट्वेंटी फोर बाई सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव बाई सिक्सटीन पच्चीस बटे सोलह मिल जाएगा उधर जाकर के पक्षांतर हो जाएगा तो हम आई इक्वल टू लिख सकते हैं सोलह बटे पच्चीस इन दोनों पदों से यदि e का पावर माइनस थ्री एक्स अपॉन सिक्सटीन को ओवेनस ले लिया जाए तो ये e का पावर माइनस ई का पावर थ्री एक्स अपॉन सिक्सटीन तो आपको मिल जाएगा माइनस फोर कॉस फोर एक्स प्लस थ्री साइन फोर एक्स आगे जब ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा e का पावर 3x upon 25 into 3 into sine 4x minus 4 into cos 4x और यहाँ पर आप plus c लिख सकते हैं या फिर आवश्यक नहीं है लिखना तो इस तरीके से ये जो हमें मान मिला है प्लस c लिख दीजिए ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था अब इस दिए गए प्रश्न का तो इस दिए गए प्रश्न को हम सीधे सूत्र की सहायता से हल करेंगे आइए देखते हैं वह विधि तो जो सूत्र है वह यह कि इंटीग्रेशन साइन e का पावर ए एक्स साइन बी एक्स डीएक्स इक्वल टू यह आपको मिलता है e का पावर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स यहां यदि ई e का पावर थ्री एक्स ई का पावर थ्री एक्स साइन फोर एक्स डी एक्स में इक्वल टू थ्री है और बी इक्वल टू फोर है तो इस सूत्र की सहायता से हम लिख सकते हैं ई e का पावर थ्री एक्स साइन फोर एक्स डी एक्स इक्वल टू ई का पावर ए एक्स तो ई e का पावर थ्री एक्स अपॉन ए स्क्वायर थ्री का स्क्वायर नाइन और फोर का स्क्वायर सिक्सटीन इंटू ए साइन बी एक्स तो ये थ्री साइन फोर एक्स माइनस बी अर्थ फोर कॉस फोर एक्स और प्लस सी तो ये अल्टीमेटली आपको मिल रहा है ई का पावर थ्री एक्स अपॉन ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री इंटू थ्री साइन फोर एक्स माइनस फोर कॉस फोर एक्स प्लस सी देखिए दोनों में से किसी भी विधि का उपयोग कीजिए आपको अंत में हल वही मिलना है अगला प्रश्न दिया गया है साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इसे हमें सरल करने का आ गया है तो माना कि यह जो, जो दिया गया फलन है यह आई है और इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स इन टू एक्स माना कि यह समीकरण एक है अब देखिए यदि आप लॉग एक्स को टी मानते हैं और दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको वन बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी मिल जाएगा तो इस तरीके से इसे सरल करके हम तो इस तरीके से यहां पर प्रतिस्थापन का उपयोग करके इस फलन को दो फलनों के गुणन फल के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं तो इसके लिए हम प्रतिस्थापन का उपयोग कर रहे हैं कि माना लॉग एक्स इक्वल टू टी माना के समीकरण दो है दोनों पक्षों का अवकलन कीजिए वन बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी और ये समीकरण दो दो के बाद ये समीकरण तीन इन दोनों का उपयोग करके समीकरण एक को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स एक्स की जगह हम आप लिख रहे हैं टी और ये जो आपको लॉग एक्स इक्वल टू टी मिला है इसे हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ई का पावर टी ये आपका चौथा समीकरण तो एक्स को हम लिखेंगे ई e का पावर टी तो ये अपॉन ई e का पावर टी और डी एक्स अपॉन एक्स इसको आप लिख सकते हैं डी टी और इसके और सरल करके लिख सकते हैं e का पावर माइनस टी ये साइन x ना होकर पावर माइनस टी साइन t डी टी अब ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसे प्रथम ये फर्स्ट फंक्शन है और इसको आप सेकंड फंक्शन मान करके खंड सा समाकलन करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन ई e का पावर माइनस टी साइन टी माइनस कॉस टी इसका समाकलन होगा तो माइनस कॉस टी फिर माइनस ई e का पावर माइनस टी तो माइनस ई e का पावर माइनस टी साइन टी का फिर से माइनस कॉस टी और फिर ये डी टी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और फिर से ये माइनस बना रहेगा तो मिल जाएगा माइनस ई e का पावर माइनस टी इंटू कॉस टी माइनस ई का पावर माइनस टी कॉस टी डी टी अब फिर से इसको हम प्रथम फलन और इसको हम द्वितीय फलन मान करके आगे सरल करेंगे तो ये हो गया e का पावर माइनस टी कॉस टी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफ़रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन तो आपको मिल जाएगा ई का पावर माइनस टी कॉस टी और माइनस ई का पावर माइनस टी कॉस टी या कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी तो आपको मिल जाएगा साइन टी ये माइनस और ये माइनस प्लस ई का पावर माइनस टी तो आपको मिल जाएगा माइनस ई का पावर माइनस टी कॉस टी ये आपको मिल जाएगा साइन टी यहां पर इंटीग्रेशन साइन लगना था और फिर इंटीग्रेशन साइन ये डी अब ध्यान दीजिए कि यहां पर हमने जो लिखा हुआ है मान लेते हैं कि समीकरण पाँच है तो ये भी इंटीग्रेशन आई का इक्वल है और यहां पर भी हमें जो पद प्राप्त हो रहा है ये भी आई है तो अल्टीमेटली इस साइन को अगर वो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस दिस और ये हमारा जो फंक्शन है यही तो आई है तो आई लेफ्ट से आई जो है राइट से लेफ्ट में आएगा तो आप यहां से लिख सकते हैं आई प्लस आई इक्वल टू ई का पावर माइनस टी कॉस टी माइनस साइन टी या फिर ये टू आई हो गया तो आई इक्वल टू वन बाई टू ई का पावर माइनस टी कॉस टी माइनस साइन टी अब यहां पर अगर आप समाकलन नियतांक लगाना चाहें तो आप प्लस सी उपयोग कर सकते हैं और यहां पर ये यह प्लस सी वन जहां पर सी वन इक्वल टू वन बाई टू सी होगा तो यहां पर ये यह जो माइनस साइन था ये यह यहां पर मैं भूल गया था यहां पर हम माइनस साइन अप्लाई करेंगे और ये भी माइनस और ये माइनस कॉस्टी है और माइनस को यदि दोनों से मोहनस निकाल लें तो ये माइनस और माइनस और ये प्लस हो जाएगा तो आपको अल्टीमेटली मिल रहा है माइनस वन बाई टू ई का पावर माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी तो इसे हम आगे लिख सकते हैं माइनस वन बाई टू ये जो का पावर माइनस टी है वो आ, हर में आकर के धनात्मक राशि हो जाएगा और ये आपको मिल रहा है टी प्लस टी, और फिर ये प्लस सी वन, अब ये जो टी है जहां पर हम लोगों ने लॉग एक्स को टी माना था उसको हम इससे रिप्लेस कर देते हैं तो अल्टीमेटली आपको मिल रहा है आई इक्वल टू माइनस वन बाई टू कॉस टी तो ये मिल रहा है आपको कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स अपॉन ई का पावर टी ये एक्स ये अपॉन एक्स और फिर ये प्लस सी वन तो ये इस दिए गए प्रश्न का या दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था प्रश्न दिया गया है इंटीग्रेशन ई e का पावर m इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर देन होल पावर थ्री बाई टू डी एक्स एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है तो इसके लिए हम यह मान करके चलते हैं कि टेन इनवर्स एक्स जो है यह टी है माना यह समीकरण एक तो इसको जब सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू टेन टी माना कि यह समीकरण दो है यदि दोनों पक्षों का हम आवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा डी एक्स इक्वल टू सेक्वायर टी डी टी ये समीकरण तीन अब समीकरण एक दो और तीन का उपयोग करके ये जो इंटीग्रेशन में हमने लिखा है उसको रूपांतरित करते हैं प्रतिस्थापन से तो ये I इक्वल टू इंटीग्रेशन e का पावर एम टेन इनवर्स है t तो e का पावर एम टी हो जाएगा और वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मतलब है यहां पर ये मिल जाएगा आपको टेन स्क्वायर t और फिर इसका पावर में आपको मिल रहा है थ्री बाई टू और dx के स्थान पर हमको लिखना है से स्क्वायर t डी टी अब चूंकि आपको पता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है तो ये जो मान है इसको हम आगे और सरल कर सकते हैं ई का पावर एम टी और ये आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टी और इसके पावर में है थ्री बाई टू और फिर ये सेक स्क्वायर टी डी टी ये जो पावर टू और यह पावर टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर पावर थ्री है और यहाँ पर पावर टू है इसका मतलब ये कि e का पावर एम टी अपॉन सेक क्यूब टी और ये अंश में है सेक स्क्वायर टी डी टी सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा e का पावर एम टी अपॉन सेक टी डी और सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा e का पावर एम टी टू कॉस टी डी तो ये फलन अब हमें मिला है इसका हम समाकलन करेंगे तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको प्रथम फलन एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और दूसरे फंक्शन को सेकंड फंक्शन मान करके इसका हम समाकलन करेंगे तो आगे सरल करते हैं ये ई e का पावर एम टी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन फिर माइनस डी बाई डी टी ऑफ ई का पावर एम टी फिर इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी और फिर यहां पर ये पूरे फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपको मिल रहा है ई e का पावर एम टी कॉस टी का समाकलन साइन टी तो ये मिल रहा है साइन टी माइनस ये आपको मिल जाएगा एम इंटू ई का पावर एम टी कॉस टी का अगेन आपको मिलेगा साइन टी फिर ये डी टी तो ये ई e का पावर एम टी इंटू साइन टी और ये एम जो है उसे हम बाहर ले लेते हैं तो माइनस एम इंटीग्रेशन ई का पावर एम टी साइन टी डी टी तो इस फलन को हम पहले सरल कर लेते हैं ये पूरा मान हमें मिल रहा था आई के फॉर्म पे तो अब यदि इंटीग्रेशन साइन ई का पावर एम टी साइन टी डी टी को सरल करें तो यह आपको मिलेगा ई e का पावर एम टी इंटीग्रेशन साइन टी डी टी माइनस डी बाई डी टी डी बाई डी टी ऑफ ई का पावर एम टी फिर इंटीग्रेशन साइन साइन टी डी टी और फिर ये पूरे का इंटीग्रेशन डी टी सॉल्व करेंगे तो ई का पावर एम टी साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी तो ये माइनस कॉस टी फिर माइनस यहां से इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा एम ई का पावर E का पावर एम टी और यहां से आपको मिलेगा माइनस कॉस टी तो माइनस और माइनस प्लस ये टी प्लस एम इंटू इंटीगेशन साइन एम टी इंटू कॉस टी डी टी देखिए कि यही जो मान है ये I है यही है I है जो तो तो इसको हम से से रिप्लेस कर सकते हैं तो यहां से आपको मिल माइनस ऑफ ई का पावर एम टी कॉस टी प्लस एम इन टू आई तो माना कि ये जो समीकरण है ये समीकरण चार है और हमें यहाँ पर जो मिल रहा है ये समीकरण पांच है तो ये जो पांच में हमें मान प्राप्त हुआ है इसको हम यहां पर पुट करेंगे तो यहां से हमें आई इक्वल टू मिल रहा है आई इक्वल टू ई का पावर एम टी इंटू साइन टी माइनस एम और फिर ये इंटीग्रेशन साइन और उसके लिए हमें जो हल करने पर मिला है वह यह राशि है तो माइनस ई e का पावर एम टी इंटू कॉस टी ये प्लस एम आई ये आई इक्वल टू है ये ई e का पावर एम टी साइन टी माइनस और माइनस आपको मिल जाएगा प्लस ई e का पावर एम टी कॉस टी ये माइनस और प्लस माइनस एम स्क्वायर आई आई वाला जो पद इसे हम लेफ्ट साइड में पक्षांतर कर लेते हैं तो हमें मिलेगा आई प्लस एम स्क्वायर आई इक्वल टू ई का पावर यदि आप एम टी को कॉमन ले लें तो आपको मिल जाएगा साइन टी प्लस एम इन टू टी अब हमने जो प्रतिस्थापन किया था उसका हम उपयोग करते हैं x इक्वल टू टेन टी था टेन टी मिला था अब यदि आप यहां से i इक्वल टू निकालें तो ये वन प्लस एम स्क्वायर है तो e का पावर एम टी अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर और फिर ये साइन टी प्लस एम इंटू कॉस्ट टी और यदि आप प्लस सी उपयोग करना चाहें तो यहां पर आप प्लस सी लगा सकते हैं हमने जो प्रतिस्थापन किया था उसका हम फिर से उपयोग करते हैं ई e का पावर एम और टी के स्थान पर आप लिखेंगे tan इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर और फिर साइन टी तो यहाँ पर जो हमें वन प्लस एम स्क्वायर मिला था वो एज इट इज है और साइन टी जो है इसे हमें एक्स के रूप में परिवर्तित करना है तो सामान्य त्रिकोणमितीय अवधारणा का उपयोग करके आप टेन टी को साइन टी और कॉस् टी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर ये साइन टी का मान होगा और कॉस्टी का मान स्क्वायर वन अपॉन स्क्वायर रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा तो ये हमें वह मान प्राप्त हो चुका है या इसे और आप सरलीकृत रूप में लिखना चाहें तो मिलेगा आई इक्वल टू ई का पावर m इन टू टेन इन एक्स और ये एक्स प्लस एम है बेसिकली क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर या हर है यह समान राशि है फिर इंटू आप यहाँ पर लिख सकते हैं वन प्लस एम स्क्वायर और यहां पर हम स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग करते हैं तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था तो अगला फलन दिया गया है x कॉस x अपॉन लॉग x। इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है अवकलन करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू पहले हम जो हर में जो दी गई राशि है इसका वर्ग लिखते हैं हर में फिर हर वाली जो राशि है वो यहाँ पर आता है अंश में जो पद दिया गया है इसका अवकलन होता है फिर अंश वाला पद और हर में जो दिया गया पद है उसका अवकलन आगे सॉल्व करते हैं ये डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये आपको मिल रहा है लॉग एक्स एक्स कॉस एक्स इसका अवकलन पहले एक्स का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा एक तो एक गुना कॉस एक्स कॉस एक्स फिर धन चिन्ह लगेगा और फिर एक्स, एक्स का माइनस साइन एक्स ये मिल जाएगा माइनस साइन एक्स फिर माइनस एक्स टू कॉस एक्स और लॉग एक्स का अवकलन वन बाई एक्स और फिर ये अपॉन में है लॉग एक्स का स्क्वायर आगे सॉल्व करते हैं ये लॉग एक्स फिर ब्रैकेट में ये कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स ये एक्स और एक्स कैंसल हो जाएगा और फिर ये माइनस कॉस एक्स होल अपॉन लॉग एक्स का फिर ये स्क्वायर ये डी वाई बाई डी एक्स है तो यही दिए गए फलन का अवकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था प्रश्न में दिया गया है कि यदि वाईक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस फाइव हो तो सिद्ध कीजिए कि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू वन माइनस वाई तो यहां पर हमें dy बाई डी एक्स का मान चाहिए तो इस प्रश्न में जो दिया गया है यह है वाई का मान वाई इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस फाइव तो दोनों पक्षों का हम अवकलन करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू हर में जो राशि दी गई है इसका वर्ग फिर हर और डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स फिर माइनस एक्स और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस आगे सॉल्व करेंगे by dx equal to, ये मिल रहा है x plus 5, by dx of x, 1, और फिर यहां पर ये भी आपको मिल जाएगा वन और ये शून्य ये अपॉन एक्स प्लस फाइव का स्क्वायर एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली आपको मिल रहा है फाइव अपॉन एक्स प्लस फाइव का स्क्वायर अब यदि आप इस समीकरण के दोनों पक्षों में एक्स का गुणा कर दें देखिए एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स तो आपको मिल जाएगा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये मिलेगा फाइव एक्स अपॉन एक्स प्लस फाइव का स्क्वायर माना कि ये समीकरण एक है अब हम y इंटू वन माइनस वाई इसे सरल कर लेते हैं y का मान है x अपॉन एक्स प्लस फाइव और फिर वन माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस आगे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा x, upon x plus 5, denominator या हर में आएगा x प्लस फाइव यह आएगा x प्लस फाइव माइनस एक्स तो यहां से आपको मिल रहा है x अपॉन एक्स प्लस फाइव ये माइनस एक्स और प्लस एक्स का हो जाएगा इन टू फाइव अपॉन एक्स प्लस फाइव तो ये अल्टीमेटली आपको मिल रहा है 5X X 5 का स्क्वायर। तो ये y 1 y है। माना कि ये समीकरण दो है समीकरण एक और दो का जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे तो यहां से आपको मिल रहा है एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू वन माइनस वाई और यही हमें सिद्ध करना था फलन दिया गया है लॉग एक्स बेस ई अपॉन वन प्लस एक्स लॉग एक्स बेस ई इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है तो ये डी वाई बाई डी एक्स इसे हम लिखते हैं ये इक्वल टू आपको मिल जाएगा वन प्लस एक्स लॉग एक्स बेस ई इसका स्क्वायर होगा फिर वन प्लस एक्स लॉग एक्स बेस ई डी देस ऑफ लॉग एक्स बेस ई माइनस आपका अंश वाला जो पद है ये लॉग लॉग एक्स है देन डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स लॉग एक्स बेस ई ये मिल रहा है डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स लॉग एक्स बेस ई इसका बेस ई लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा वन बाई एक्स माइनस लॉग एक्स बेस ई एक का अवकलन शून्य और फिर एक्स गुना लॉग एक्स इसका अवकलन करेंगे तो पहले का पहले पद का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक और उसके साथ ये पद फिर एक्स और लॉग एक्स वाले पद का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा एक्स आगे सॉल्व करते हैं ये मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स लॉग एक्स और ये अपॉन में है वन बाई एक्स माइनस लॉग एक्स ये लॉग एक्स और ये दोनों कैंसिल होकर के अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा वन और फिर अपॉन में है वन प्लस एक्स लॉग एक्स बेस ई इसका स्क्वायर आगे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो ये आपको मिल जाएगा वन बाई एक्स और ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा लॉग एक्स बेस ई और फिर इन दोनों पदों का जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा लॉग एक्स बेस ई का स्क्वायर और फिर माइनस लॉग एक्स बेस ई और फिर पूरे की जो अपॉन या बटे में है ये आएगा वन प्लस एक्स लॉग एक्स बेस ई इसका स्क्वायर तो देखिए ये पद धनात्मक है और ये पद ऋणात्मक है दोनों कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको यहाँ पर उत्तर मिलने वाला है वन बाई एक्स माइनस लॉग एक्स बेस ई इसका स्क्वायर है और अपॉन में वन प्लस एक्स लॉग एक्स बेस ई इसका स्क्वायर तो ये मान है वाई बाई डी एक्स का इसे यदि और और सरल करना चाहें तो आप सरल कर सकते हैं ये वन बाई एक्स ये जो एक्स है डिनोमेटर में आ जाएगा और अंश में आप लिखेंगे वन माइनस एक्स इन लॉग एक्स इसका स्क्वायर और हर में ये जो राशि दी गई है ये वन प्लस एक्स लॉग एक्स बेस ई इसका स्क्वायर तो अल्टीमेटली इसे आप इस तरीके से डायरेक्टली लिख सकते हैं ये x इंटू दिस और ये दिए गए फलन का अवकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था अगला फलन दिया गया है वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स इसका हमें अवकलन करना है तो dy बाई डी एक्स जैसा कि आपको पता है कि जब दो फलन अनुपात के रूप में होते हैं तो उसका अवकलन किस प्रकार करते हैं तो हर में जो दी गई राशि है इसका हम वर्ग हर में लिखते हैं और फिर हर वाला जो पद है उसके साथ में अंश में गुणा होता है डीवाई dx ऑफ अंश में जो पद दिया गया है वन माइनस टेन एक्स फिर माइनस वन माइनस टेन एक्स अंश में जो पद है और फिर अवकलन का गुणा होता है वन प्लस टेन एक्स यहाँ पर जो हर में दी गई राशि है उसका तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू वन वन प्लस टेन का एक्सलन शून्य और टेन एक्स का आपको मिल जाएगा सेक माइनस साइन तो के साथ में है सेक्वायर एक्स फिर माइनस वन माइनस एक का औकुल शून्य और टेन एक्स का सेक स्क्स और फिर अपॉन में है वन प्लस टेन एक्स का स्क्वायर आगे जब सॉल्व करेंगे डी वाई बाई डी एक्स तो ये आपको मिल जाएगा माइनस साइन से स्क्वायर एक्स और माइनस टेन एक्स इंटू से स्क्वायर एक्स माइनस से स्क्वायर एक्स माइनस और माइनस प्लस टेन एक्स इंटू सेक्वा देखिए ये जो पद है ये ऋणात्मक है और ये वाला जो पद हैत्मक है दोनों कैंसल हो जाएगा अल्टीमेटली अंत में आपको मिल जाएगा माइनस टू टाइम्स सेक्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर और यही वह मान है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था